अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू बेहद संजीदा है। माशरे के मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डालने का काम इत्तेहाद न्यूज़ मुस्तकिल कर रहा है। दहकते मौजूओं पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखने की कोशिश भी इस्तेताद के मुताबिक हम करते आए। हाल ही में कित्तूर के एक अस्पताल में नाजायज ताल्लुकात में पैदा हुए बच्चे की फरक का मामला सामने आया। आज एक और अहम रिपोर्ट पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। आज एक रिपोर्ट राज्य महिला बाल कल्याण वुमेन्स वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जानिब से शाया किया गया, जिसमें कम उम्र के लड़कियां हामिला होने के मामले 2017-18 के मुकाबले में 2023-24 में 300% का इजाफा दिखाया जा रहा है। अब इसके लिए मुख्तलिफ वजूहात को हुकूमत की जानिब से पेश किया जा रहा है। भारत की आबादी दुनिया भर में पहले नंबर पर पहुंच चुकी है, हमने चाइना को भी पीछे डाल दिया, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। भले हुकूमत रियासत कर्नाटक की हो या दिगर रियासतों की, कैफियत तो एक जैसी ही है, क्योंकि समाजी मसाइल किसी भी जगह के एक तरह के ही होते हैं, ये सच्चाई है। वैसे बढ़ती आबादी को मुसलमानों के लिए जिम्मेदार ठहराने की पुरानी आदत तो हुकूमतों को है ही, पर इसकी सच्चाई को कहीं तो नजरअंदाज किया जा रहा है। एक तरफ फहश हुरियानियत को बढ़ावा दिया जाता है और दूसरी तरफ गलत कामों की हिमायत भी की जा रही है। अस्पतालों में कई मामले को छिपते छिपाते अंजाम भी दिया जा रहा है। अगर सही बात कही जाए तो असल मुद्दे को ही बगल देकर सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सरकार की जानिब से तो मजहबी मामलात की वजह से कम उम्र में शादी की बात कही जा रही है। जाहिर है कम उम्र में शादी से मुराद फिर से इशारा मुसलमानों को ही दिया जाता है, यानी कि मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन 300% का इजाफा क्या सिर्फ एक ही समाज में हो रहा है? यह सवाल भी उतना ही अहम है। बाज औकात हुकूमतें अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किसी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं ताकि अपने दामन को झटक लिया जाए, पर 300% का इजाफा सोचने पर जरूर मजबूर कर सकता है कि किस कदर बेहयाई भी इसके लिए जिम्मेदार है। पर इसका तस्करा हुकूमत की जानिब से नहीं किया जा रहा। आखिर क्या वजह है कि कमसिन उम्र की लड़कियां हामिला हो रही हैं? तो पूरे समाज को लम्हे फिक्र करने की जरूरत है। हुकूमत किसी को भी इसके जिम्मेदार ठहराए, लेकिन एक अहम वजह यह है कि लड़कियां वक्त से पहले बाली हो रही है और गलत कामों में मुलविस होकर नाजायज ताल्लुकात के नतीजे में हमल ठहर जाता है, ये भी उतनी ही सच्चाई है, पर इसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। कुछ अस्पतालों का इसमें अहम किरदार है, जिस पर नकेल कसना जरूरी हो जाता है, जो नहीं किया जा रहा। वक्ती तौर पर कुछ अस्पतालों में छापेमारी की जाती है, फिर कुछ ले देकर मामला रफा दफा किया जाता है। अब अगर कमसीन लड़कियां हामिला होने की इत्तला सामने आई है तो कितनी लड़कियों की शादी हुई है या स्कूल कॉलेजेस को जाने वाली लड़कियां भी इसका शिकार हुई है, इस पर भी तो तवज्जो देनी होगी। रियासत में बाल विवाह यानी कमसीन लड़कियों की शादियों की भी बात चल रही है, पर लड़कियों की खुली आजादी की कीमत भी कुछ हद तक इस दौर में चुकानी पड़ रही है। अक्सर कॉलेज की लड़कियां या कंपनियों में जॉब करने वाले लड़का लड़की रिलेशनशिप में जिंदगी बिताते रहते हैं और इस तरह की वारदातें अब बहुत ज्यादा बढ़ भी चुकी हैं। अक्सर गुनाह का तस्करा नहीं किया जाता और बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि कुछ मुस्लिम घरों की लड़कियां भी आजाद ख्याली के फितने में मुलव्वस होकर रिलेशनशिप में बिना शादी के जिंदगी गुजारने के वाकये भी सामने आ रहे हैं। मजीद अफसोस तो यह है कि वालिदैन इस दौर की तहजीब समझकर हरामखोरी को नजरअंदाज करते रहते हैं। दिगर शहरों का उतना इल्म ना हो, लेकिन बेलगाम जैसे छोटे शहर में भी जिनाखोरी के जरिए कई लड़कियां हामिला होने की खबरें सामने आती रहती हैं और ऐसे अस्पताल भी हैं जो हमल को गराने का काम करते हैं। समाज का दिगर हिस्सा क्या कर रहा है? इससे ज्यादा मुस्लिम लड़कियां किस फितने में मुलव्वस हो रही हैं, इस पर तक तवज्जो देने की फुर्सत न तो इस कौम के जिम्मेदारान को है और न ही इस समाज के दीनी सियासी रहनुमाओं को है। एक बड़े फितने में मुस्लिम समाज की लड़कियां मुलव्वस हो रही हैं, खासकर जॉब के नाम पर गलत कामों के जाल में फंस रही है। अब समाज के हिस्से को क्या कहा जाए? खौफ खुदा का कोई तसव्वुर ही नहीं है। जब गलत गलत ही ना समझा जाने लगा तो वहां गुनाह को भी वक्त की जरूरत समझा जाता है। तालीम की आड़ में बहुत कुछ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं कि तालीम छोड़ देना चाहिए, तालीम मशाले राह है, पर वही अब घरों में एक के काम से कुछ नहीं होने वाले की ज़हनियत भी परवान चढ़ रही है, जिसके नतीजे में लड़कियां अब खुलकर जॉब कर रही है और उसे गलत भी नहीं समझा जा रहा, पर के जॉब के नाम पर इज्जतें महफूज हो रही हैं। कभी एक दौर था जहां खवातीन के दामन को छू भी लिया जाता तो जंगे हुआ करती थी। खैर, हुकूमतों ने तो कमसीन लड़कियां हामिला होने की 300% इजाफे की बात 2017-18 के मुकाबले में 2023-24 में बताया, लेकिन हर समाज को अपने अतराफ में क्या हो रहा है
इसका इल्म भी होना जरूरी है। और खासकर मुस्लिम समाज को मजहबी तौर पर बेदार समाज कहा जाता है, पर जिस कदर बेहयाई और फहश मुस्लिम समाज में बढ़ रही है, इस पर भी कभी मस्जिदों में बयानात नहीं होते और ना ही इन्हें रोकने की सबीलें बनाई जा रही है। अब तो घरों से निकलकर बाजारों में औरतों का जाना आम सा हो गया। अब शायद ही कोई दीनदार घराना भी इस अमल से खाली रहा हो। इंसान की जरूरतें बढ़ गई, कमाई का दायरा महदूद हो गया, अब मर्द और औरत दोनों को कमाने की बात बुरी नहीं समझी जाने लगी। लिहाजा जब आयन फितरत के खिलाफ कोई अमल किया जाता है तो उसके नतायज भी सामने आने लगते हैं। जब औरतें घरों से बेखौफ होकर निकलने लगी तो जीना भी आम होने लगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात हजम न हो, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि सिर्फ क्या खवातीन को ही जिम्मेदार ठहरा जाता है। पर क्या यह सच्चाई नहीं है कि तलाक खुला की वारदातों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है? क्या कमसिन उम्र की लड़कियां हामिला नहीं हो रही है? जॉब के नाम पर कुछ खवातीनों की इज्जतें दागदार और तार तार नहीं हो रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिस तेजी से समाज बुराई की तरफ जा रहा है तो इसे क्या कहा जाए? क्या इस हकीकत से इनकार भी किया जा सकता है? आखिर जिम्मेदारी किसकी है और जवाबदेही किसकी हो सकती है? हुकूमत की जानिब से 300% इजाफे की बात कही तो जा रही है। अगर ये बात कही जा रही है तो मामला और भी संगीन हो सकता है, क्योंकि कई मामले तो रिकॉर्ड पर भी नहीं आते। कहीं अस्पताल इस जुर्म में मुलव्विस है। मैं छापेमारी का नाटक कर लीपापोती जरूर की जा सकती है, पर इस दौर के जुर्म को रोकना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि कई अफसरान भी इसमें शरीक रहते हैं। आखिर इस दौर के इस जुर्म को रोकना हो तो तहजीब को जिंदा करना होगा, गुनाह का एहसास दिलाना होगा, आजादी के नाम पर खुली छूट को रोकना होगा, मरने के बाद की जिंदगी को वाज़े तौर पर सामने रखना होगा। आजकल तो कई नाम निहाद ख्वातिनों की तंजीमें हैं जो मियां बी के रिश्तों को जोड़ने के बजाय तोड़ने ही के काम को ज्यादा पसंद करती हैं। एक और बात यह भी है कि माओं को भी बेटी की शादी के बाद उसके अज़वाज़े जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। कहते हैं माँ अगर शादी के बाद बेटी की जिंदगी की ट्यूशन लेना शुरू करे तो बेटी तलाक की डिग्री लेकर ही वापिस आती है। सिर्फ कमसीन उम्र की लड़कियां हामिला होने का मामला ही सर फहरिस्त नहीं है, बल्कि शादी के बाद की जिंदगी और फिर तलाक खुला तक की नौबत हद दर्जे बढ़ चुकी है। इस पर भी लम्हे फिक्र जरूरी है। कमसीन उम्र की लड़कियां वक्त से पहले बालिग होकर गलत कदम उठाती है। मोबाइल इसका मरकज है और इसका अहम किरदार है। मोबाइल ने तमाम गलत कामों को बहुत ही आसान तो कर दिया है, पर उसे कोई गलत भी नहीं समझ रहा। फिर भगवा लव ट्रैप भी एक अलग मसला है। मतलब कई सारे मसाइल से मुस्लिम समाज की खवातीन जूझ रही है, जिसका हल जल्द से जल्द निकालना होगा, क्योंकि अब फहश हुरियानियत की आग की लपेटे तेज हो रही हैं। वक्त से पहले इस जुर्म को रोके, वरना तमाम माशरा जलकर राख होने में वक्त नहीं लगेगा और हम उस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।